स्टूडेंट, दिस इज स्तुपा फ्रॉम एंजल पैराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल. इन पार्ट थ्री विल सी एग्जाम्पल्स ऑफ 4 to 7 एंड एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम चैप्टर 6. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर्स आई विल टेकन ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड मेन एक्सरसाइज ऑफ 6.3 अप टू. सो जो इम्पोर्टेंस नहीं है और जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ये वीडियो से सुनने के लिए, सो वो मैं टॉपिक्स से एक्सप्लेनेशंस नहीं कर रही हूँ. जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने एक्सप्लेनेशंस किया है. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर. अगर आप रूट निकालते टाइम आपको जो भी नंबर्स डाउट लग रहा है, अगर बड़े नंबर हो रहा है सो आपको ये कौन से टेबल में आएगा, ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. ईजी की फैक्टर्स भी है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो अगर कोई भी नंबर में लास्ट में इवन नंबर है सो 2, 4, 6, 8 टेबल में होगा. अगर आपको नंबर देखना है कि ये नंबर 3 में पॉसिबल है या नहीं, सो जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लस करके 3 से डिवाइड करोगे. अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा. देन नेक्स्ट 5 का, 5 के लिए आपको देखना है लास्ट में 0 and 5 आना चाहिए. सो लास्ट में 0 and 5 है तो वो नंबर 5 के टेबल में पॉसिबल है. सो ये सब कुछ की फैक्टर्स है अलग अलग टेबल का. सो अभी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं. सो फर्स्ट एक सम है यहाँ पे 324. सो 324 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. सो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आप यहाँ तक भी खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके नोटबुक में ड्रॉ करते टाइम सो ये है एचसीएफ मेथड. एचसीएफ में क्या करते हैं, नंबर्स बहुत सारे नंबर्स के साथ में हम स्क्वायर निकालते हैं. बट एचसीएफ में अलग अलग नंबर को स्क्वायर निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा आप लोग को. सो 324 है, सो लास्ट में 4 इवन नंबर है सो 2 में पॉसिबल होगा. सो आप लोग को टेबल स्टार्ट करते टाइम प्रॉपरली 2 से ही स्टार्ट करना है. अगर 2 में पॉसिबल नहीं है तो 3 में जाना है, तो इसलिए ध्यान रखना जब आप रूट निकालते टाइम आपको 2 के टेबल से ही शुरू करना है. सो 2 से 324 को पहले 2 से डिवाइड करना है. अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ़ लग रहा है निकालने में तो आप थोड़ा ध्यान से कर दीजिए. वापस बोल रही हूँ, लास्ट में देखना है कौन सा नंबर है. अगर लास्ट में इवन नंबर है तो वो 2 में 100% डिवाइड होगा. सो आप अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आता तो आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं. पहले 324 को 2 से डिवाइड कर दीजिए. जो ऊपर जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है. सो अगर हम 324 को 2 से डिवाइड करेंगे सो आंसर आएगा 162. वापस लास्ट में 2 इवन नंबर है तो वो 2 में पॉसिबल होगा. 2 8 6 2 1 2. अभी इसके बाद ये नंबर 2 में पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 ऑड नंबर है और 2 के लिए हमको यहाँ पे इवन नंबर चाहिए. सो नेक्स्ट हम जाते हैं 3 में. ये नंबर इन टेबल तो 9 में भी पॉसिबल होता है 981, बट हमको प्रॉपर ऑर्डर से डिवाइड करना है. सो 3 तो पहले दो नंबर को प्लस करके देखना है. 8 + 1 9 3 में आता है कि नहीं आता है. यस, 9 3 में पॉसिबल है. सो 81 भी 3 के टेबल में पॉसिबल है. सो 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 27. अगेन 27 3 में पॉसिबल है. 3 9 सा, अगेन 3 3 सा. सो लास्ट में आएगा 3 1 सा. सो नेक्स्ट स्टेप ये निकालने के बाद आपको 324 इज इक्वल टू यहाँ पे जो आंसर मिला है आपको वो यहाँ पे लिखना है. 2 2 टाइम्स है और 3 4 टाइम्स है. सो 324 इज इक्वल टू स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स लिखना होगा, क्यूब मतलब 3 डालना होगा. सो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है. सो 2 रेज्ड टू, ये वाला स्टेप जो भी यहाँ पे है ये आपको
इसके नीचे करना है, ये स्टेप के नीचे ये वाला स्टेप आपको यहाँ पे लिखना है नोटबुक में। सो 2 raised to 2 मल्टीप्लाई 3 भी 2 टाइम्स है, सो 3 raised to 2 मल्टीप्लाई अगेन 3 2 टाइम्स है, सो 3 raised to 2। तब अभी हम इसको रूट निकालते टाइम रूट 324 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी 2 टाइम्स है उसको सिंगल टाइम्स करना है क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी रूट डाल दी है। सो 2 multiply 3 multiply 3, 2 3 6 6 3 18, सो 18 को हम 2 टाइम्स करेंगे सो आंसर 324 मिलेगा। सो देयरफॉर रूट 324 इज इक्वल टू 18, ऐसे आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। सो पहले यहाँ पे देखते हैं 6400 का। सो लास्ट में 0 है, सो 0 भी इवन नंबर है, सो 2 से ही शुरू करना है। 2 3 6, 2 2 4, 0 को 2 0 को वैसे उतारना। अगेन लास्ट में 0 आ रहा है, सो 0 इवन नंबर है, 2 के टेबल में पॉसिबल है। 2 16 00, नेक्स्ट 2 8 00, नेक्स्ट 2 4 00, नेक्स्ट 2 2 0, नेक्स्ट 2 1 00, नेक्स्ट 2 5 10 0, और नेक्स्ट 2 25। इसके बाद 25 है, सो 5 इवन नंबर है तो ये तो आपको 2 के टेबल में आएगा नहीं। सो नेक्स्ट 3 में जाना है, 3 में देखने के लिए आपको दोनों नंबर्स को प्लस करना होगा। 2 plus 5 7, 7 3 में पॉसिबल नहीं है, सो उस टेबल नंबर टेबल को भी छोड़ देना है। नेक्स्ट जाना है 4 में भी लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 5 का मैंने की फैक्टर बताया, लास्ट में 0 एंड 5 आना चाहिए, इसमें 5 है, सो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इस तरह आपको साइड में नहीं सेंटर में नोटबुक में क्वेश्चन लिखने के बाद उसके नीचे ही और स्क्वायर रूट निकालना शुरू करना है। बुक में यहाँ पे साइड में किया है, आपको बीच बिटवीन में करना है। सो ये वाला करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप उसके नीचे लिखना है एक लाइन छोड़ के, 6400 इज इक्वल टू, जितने भी यहाँ पे आंसर आया हुआ है आपको ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिख लेना है। 2 आपको 8 टाइम्स है, सो 2 multiply 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 5 multiply 5। आप अंडरलाइन कर भी सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया ही, पर नहीं, इसके नीचे आपको और एक स्टेप लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, तो ये स्टेप लिखने के यहाँ लिखने के बाद इसके नीचे और एक स्टेप आएगा, सो उसमें आपको लिखना है। इसके बाद वाले स्टेप बताती हूँ, 2 raised to 3 2 multiply 2 raised to 2 multiply 2 raised to 2 multiply 5 raised to 2। ये वाला स्टेप आपको लिखने के बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप में ये वाला स्टेप कंटिन्यू करना है। देयरफॉर रूट 6400 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5, एक्चुअली 2 4 टाइम्स है, सो लास्ट में 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 5 ज़ा 18। सो दिस इज द आंसर ऑफ रूट 6400। सो नेक्स्ट हम चाहते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, 5 नहीं चाहिए 6। इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर,
इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। सो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है 2352 परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं है तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर नहीं है तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड आउट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट मल्टीपल परफेक्ट स्क्वायर होगा, सो न्यू नंबर का स्क्वायर रूट हमको निकालना है। सो फर्स्ट एज यूजुअल आपको 2352 का पहले एलसीएफ निकाला होगा। सो इसमें लास्ट में इवन नंबर है, सो 2 में ये पॉसिबल है, सो हम डिवाइड करेंगे, सो 1176 आएगा। सो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको अगर डिवाइड नहीं पा रहा है सो आप ऐसा डिवाइड करके देख सकते हैं 2 से, अगर जो ऊपर जो आंसर होता है वही आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। सो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे सो 588 होगा। सो अगेन गेट इवन नंबर है सो 2 में पॉसिबल है, सो 2 9 4 4 लास्ट में इवन है सो 2 में पॉसिबल है, 147 7 इवन नहीं है, हॉड नंबर है सो 2 में पॉसिबल नहीं है। सो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 टेबल जाना है। सो 3 का की फैक्टर ये है कि सब नंबर्स को प्लस करके 3 से डिवाइड करना है। सो अगर हम 145 को प्लस करेंगे सो आपको 12 मिलेगा, 12 3 के टेबल में पॉसिबल है, सो 147 भी 3 में पॉसिबल होगा, 349 सा। नेक्स्ट 49, 9 और प्लस को 4 को प्लस करेंगे सो आंसर 13 होगा, 13 3 में आएगा नहीं। नेक्स्ट 4 लास्ट ऑड नंबर है सो 4 में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 5 लास्ट में हमको 0 एंड 5 चाहिए तो यहाँ पे दोनों नहीं है सो 5 भी पॉसिबल नहीं है। 6 में भी लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए तो यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट होगा 7, 7 था अगेन यहाँ पे 7 सा आएगा। सो आपको ये स्टेप थोड़ा ध्यान से करना है, ये वाला आपको निकालने के बाद इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा 2352 इज इक्वल टू, जितने भी आंसर हुआ है वो यहाँ पे निकाल लिखना है, 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 7, सो देयरफॉर 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये वाला स्टेप लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के नीचे देयरफॉर 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 भी 2 टाइम्स है, अगेन 2 2 टाइम्स है, 7 भी 2 टाइम्स है, बट यहाँ पे 3 ओनली 1 टाइम्स है, सो इसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो क्या करना है, क्वेश्चन के साथ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन दोनों को मल्टीपल करना है। सो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल स्क्वायर रूट से, पहले आप स्क्वायर एलसीएम निकालने के बाद देखना है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, अगर नहीं है तो लिखना है 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोनों को मल्टीपल करना, इट मीन्स थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये रहा और सेकेंड स्टेप ये वाला लिखना है आपको, थर्ड स्टेप में क्वेश्चन एंड परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर नहीं है दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करते टाइम थर्ड स्टेप ए होगा 2352 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, अगेन ऊपर जो आपने लिखा है 2 को 2 टाइम्स, अगेन 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 को भी हम 3 टाइम्स 2 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे ऑलरेडी आपने नॉट परफेक्ट स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन में लगा दिए क्वेश्चन के साथ, इसके लिए आप यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो जो नंबर आप क्वेश्चन के साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मल्टीपल किया है वही नंबर को आप वापस 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशंस में करेंगे। सो अभी आपको क्या करना है, ये स्टेप होने के बाद देयरफॉर 2352 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 7056 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था उसको क्वेश्चन के साथ इक्वल टू के पहले मल्टीपल किए, इसलिए हम इक्वल टू के बाद वही नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना दिए। सो अभी जो थर्ड स्टेप था
टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, यहाँ पे टू टाइम्स है, यहाँ पे भी टू टाइम्स, थ्री टू टाइम्स एंड सेवन भी टू टाइम्स हो चुका है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। सो ये लिखने के बाद दैटफोर 2352 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 7056 इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। 7056 इज इक्वल टू, ये स्टेप डालने के पहले ऊपर एक स्टेप, 7056 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू 2। ये वाला स्टेप करने के बाद, ये देयरफॉर लिखने के बाद ये वाला स्टेप लिखना है, 7056 इज इक्वल टू 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू 2। उसके बाद आपको देयरफॉर 7056 इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट डालने के लिए आपने जो स्क्वायर किया है उन सबको हटाना है। सो टू, अगर स्क्वायर हमने हटा दिए तो सब कुछ वन टाइम हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 84, 2 2 4 4 3 12 12 7 84। ये है न्यू नंबर का स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट्स, आई होप के एग्जांपल नंबर 6 आपका समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है बट आप ध्यान से करोगे तो आपको इजी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का मल्टीपल मेथड का एग्जांपल था। नेक्स्ट हम जो करने वाले एग्जांपल नंबर 7 वो है डिवाइडेड मेथड का। दोनों में डिफरेंस है तो इससे दोनों को कंफ्यूज्ड मत करो। मल्टीप्लाई मेथड का अलग है, डिविजन मेथड का अलग है। मल्टीपल करते टाइम आपने क्वेश्चन के साथ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको आपने मल्टीपल किया है। जब डिविजन करते टाइम जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको क्वेश्चन के साथ डिवाइड करना है। सो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना होगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो ये हुआ आपका डिविजन मेथड का। सो एग्जांपल 7 जो है इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 101 से शुरू होके 102 तक कंटिन्यू है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 9408 का हमको एलसीएम निकालना है, जिस तरह आपने यहाँ पे साइड में निकालते हैं। तो निकालने के बाद आपको इसमें खुद करना है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर दे चुके हैं। सो निकालने के बाद आपको आंसर मिलेगा 2, यहाँ पे 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, वही जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो था वही यहाँ पे भी आया हुआ है। सो एग्जांपल 6 में जो 2 था वो 4 टाइम था और यहाँ पे जो 2 है वो 6 टाइम्स है। सो अभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले ये लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है, यहाँ पे 3 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो देयरफॉर 9408 डिवाइडेड बाय 3, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसके साथ ही क्वेश्चन को डिवाइड करना है डिविजन मेथड में, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन मेथड में। सो डिवाइड करेंगे सो आपको आंसर आएगा 3136। डिविजन मेथड में हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल करने के बाद उसमें आंसर भी अगेन आपने 3 को 3 टाइम्स 2 टाइम्स लिख दिए, बट यहाँ पे 3 को ही छोड़ देना है क्योंकि हमने यहाँ पे 3 को डिवाइड किया है। डिविजन मेथड में 3 जो है वापस डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको छोड़ देना है डिविजन मेथड में। सो 2 को हमने 6 टाइम लगा दिए और मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 3136 इज इक्वल टू 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू 2। ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये वाला आपको शुरू करना है। Therefore 3136 root is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7, 2 2 4, 4 2 8, 8 7 56। So 3136 का square root होगा 56। ऐसे ही आपको find out करना है division and multiplication method का।
सो नेक्स्ट टर्म एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.3। वॉट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो यहाँ पे जो वंस डिजिट में है, सो वंस डिजिट में यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी नंबर है उसका हम स्क्वायर निकालेंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन वंस डिजिट में है, सो वन का स्क्वायर हम निकालेंगे तो आपको वन ही आएगा। उसके अलावा और कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर निकालेंगे उसमें भी वंस डिजिट वन आना चाहिए। स्टूडेंट्स अगेन आई विल रिपीट द क्वेश्चन। सो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम पहले स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर निकालने के बाद वो जो आंसर आएगा उसमें जो वापस वंस डिजिट में क्या है वो देखना है। सो वही नंबर और कौन से नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे तो वही नंबर पॉसिबल होगा। सभी आपको एक एग्जांपल्स करके दिखाती हूँ, वैसे ही आपको सेकंड थर्ड एंड फोर्थ भी करना है। सो फर्स्ट द पॉसिबल डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 कैन बी ईदर। सो यहाँ पे आप वन जीरो नाइन मत लिखो, पहले हम वन का देखते हैं। सो आप ब्रैकेट सब डालने की जरूरत नहीं है। देयर फोर वन मल्टीप्लाई वन, आपको ऐसे आंसर से शुरू करना है। वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन। सो यहाँ पे वन आया हुआ है। सो कौन सा और एक नंबर है जिसका हम स्क्वायर निकालेंगे सो उसमें भी वंस डिजिट में वन ही आएगा। अगर टू का हम स्क्वायर निकालेंगे तो फोर आएगा, थ्री का हम निकालेंगे तो नाइन, देन फोर का निकालेंगे तो 16, फाइव का 25। इस तरह आपको देख के जानना है कौन सा और एक नंबर है जिसका भी वंस प्लेस में आंसर वन ही आता है। सो आंसर आएगा 9 स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने और 9 लिखा है। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। सो 9 के स्क्वायर में भी वंस स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ वहाँ पे वंस प्लेस में वन पॉसिबल है। वैसे ही सेकेंड का भी आपको करना है। सेकेंड का है वंस प्लेस में 6 है, तो आपको देखना है 6 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 36 होगा। 36 में वंस डिजिट क्या है, तो सेकेंड का हम स्क्वायर निकालेंगे 36 होगा। 36 में वन डिजिट है 6, तो कौन सा और एक नंबर है जिसका आप स्क्वायर करेंगे उसमें भी आपको वंस प्लेस में 6 ही आएगा, वैसे आपको फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो विदाउट कैलकुलेशन करने के कैलकुलेशन नहीं करना है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच नंबर्स आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कौन सा नंबर है वो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है विदाउट एनी कैलकुलेशन। सो ये परफेक्ट स्क्वायर ये है नहीं, आप एलसीएम निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट कैलकुलेशन नहीं करना है। सो दूसरा भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट उसके लिए द एंडिंग डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज, तो मैंने आपको ये वाला पहले करवा दिए कि एंडिंग डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर ये नंबर एंडिंग डिजिट वंस प्लेस में है तो ये सब कुछ वंस प्लेस एंडिंग डिजिट में है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसके अलावा जो 0 से लेके 10 के बीच में, इनके अलावा जो भी नंबर नहीं है यहाँ पे, और नंबर हैविंग एंड डिजिट 2, 3, 7 और 9,
कैन नेवर बी नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 2, 3, 7 और 8 ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो फर्स्ट 153, यर द एंडिंग डिजिट इज 3, देयरफॉर 153 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 2, 3, 5, 7 और 8 से लास्ट नंबर है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. बस आपको इतना ही लिखना है. सो ऐसे आपको सारे सम्स सॉल्व करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सो ये वाला सम्स मैंने आपको एक ट्राई दिस का एक्सप्लेनेशन किया है जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 में है. रूट 81 का मैंने एक्सप्रेशन किया है, माइनस करके आना है जब तक जीरो आना आए. वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये आपको रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से. जो एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने करवाया है वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. ये जो है मैंने example number 6, वैसे ही आपका question number 5 करना है. So जो इसमें perfect square नहीं है उसको question के साथ भी multiple करना है और answer में भी वही number को 2 times लगाना है perfect square के लिए. So next question number 6, for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be divided so as to get the perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. ये है example number 7, जो perfect square नहीं है उसको question के साथ division divide करना है. So next question number 7, the students of class 8 of a school donated rupees 2,401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. So student class 8 के जो बच्चे हैं उस डोनेट कर रहे हैं रुपीज़ 2,401 फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के लिए. ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. सारे बच्चों ने अपने से जितना हो सके उन्होंने रिलीफ नेशनल प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए क्लास में दिया हुआ है. सो टोटल कितना स्टूडेंट्स ने दिया होगा और कलेक्ट सबने मिलके कलेक्ट किया होगा 2,401. टोटल कितने बच्चे हैं क्लास 8 में जिन्होंने पूरे पैसे कलेक्शन करके उनका टोटल रुपीस हुआ 2,401 वो आपको फाइंड आउट करना है. स्टार्टिंग आपको लिखना है डोनेटेड मनी इज इक्वल टू 2,401. ये डोनेटेड मनी है. सब नेक्स्ट सपोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हमको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है पता नहीं तो इसलिए हम इस पर यक्स रखेंगे. देयरफॉर डोनेटेड मनी इज इक्वल टू यक्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑल्सो एक्स एंड देयरफॉर डोनेटेड मनी इज ऑल्सो यक्स. सो देयरफॉर यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2,401. यहाँ तक लिखने के बाद आपको
इसके नीचे 2401 के नीचे आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी मेथड है। सो पहले यहाँ पे देखना कि टू में पॉसिबल ये या नहीं, तो टू में नहीं आएगा क्योंकि वन ऑड नंबर है। नेक्स्ट सबको प्लस करके देखना है, 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7, 7 3 में पॉसिबल नहीं है, सो ये 3 के टेबल में पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे 4 भी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द एंडिंग डिजिट इज ऑड नंबर। नेक्स्ट 5 में लास्ट में 0 and 5 आना चाहिए। नेक्स्ट 6 में भी इवन नंबर आना चाहिए लास्ट डिजिट में। तो नेक्स्ट 7 में आपको ट्राई करके देख सकते हैं। सो हम डिवाइड करेंगे, सो 343 आएगा। नेक्स्ट उसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 49, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। सो ये निकालने के बाद आपको लिखना है therefore x is equal to √2401 is equal to √7 × 7 × 7 × 7। इसके पहले भी आपको एक सो इसके बाद वाले स्टेप बता रही हूँ। ये क्वेश्चन लिखने के बाद 2401 is equal to 7² × 7² सो ये वाला स्टेप लिखने के बाद आपको एलसीएम निकालने के बाद ये वाला स्टेप यूज़ करना है। ये लिखने के बाद आप ये वाला स्टेप यूज़ करेंगे। एक्स डालने की ज़रूरत नहीं है, √2401 एक्स डाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √7 7 7 7 इसको सेपरेट कर देना है। लास्ट में एक्स इज इक्वल टू 7 × 7 टू टाइम्स है, 1 टाइम करना है, इज इक्वल टू 49। एंसर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 49, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स आपको फाइंड आउट करना है हर एक रो में। सो फर्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 2025। सपोज द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांटेड इज एक्स एंड ईच रो कंटेन्स नंबर ऑफ प्लांट्स, therefore x square is equal to 2025। इसके बाद जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है एलसीएम निकालने के बाद जो रूट निकाले थे, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी करना है। तो इससे आप क्वेश्चन नंबर 8 पूरा करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 and 10। सो आपको स्मॉल फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 and 10। सो स्मॉलेस्ट मीन्स एलसीएम, लीस्ट कॉमन मेथड। एलसीएम ऑफ एलसीएम पहले हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 and 10। सो 9 and 10 ऑलमोस्ट दोनों सेम मेथड है। सो 9 का मैं एक्सप्रेशन कर रही हूँ, वैसे आपको 10 का भी करना है। सो स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर नंबर क्या है विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 and 10।
सो इसमें देखना है द स्मॉलेस्ट बाय नंबर डेसिमल आपको नहीं लिखना है, पहले आप एलसीएम निकालेंगे। स्मॉलेस्ट बाय नंबर मीन्स आपको एलसीएम निकालना है, टू टू ज़ा फोर, नाइन तो टू में आएगा ना तो वैसे लिखना है, नेक्स्ट टू फाइव ज़ा टेन, अगेन टू वन ज़ा टू, नाइन और फाइव ऐसे उतारना है। नेक्स्ट थ्री में हम देखते हैं वन आएगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, फाइव ऐसे लिखना है। नेक्स्ट अगेन वन, थ्री वन ज़ा थ्री, फाइव, नेक्स्ट फाइव वन वन, फाइव वन ज़ा फाइव, अभी लिखना है। सो नेक्स्ट लिखना है एलसीएम ऑफ फोर नाइन एंड टेन इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू 180। द प्राइम फैक्टर फाइव इज अनपैर्ड, सो इसमें फाइव जो है उसका पैर नहीं है, सो इट मीन्स अप नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं है, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है। सो 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय फाइव, सो 180 को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो फाइव मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन जिस तरह मैं आप लोग को मैंने एग्जाम्पल नंबर सिक्स एक्सप्लेनेशन किया है वैसे ही ये भी करना है। जो क्वेश्चन के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं उसका भी आपको पैर बना के लास्ट में इक्वल टू के बाद फाइव को भी, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सो इक्वल टू के बाद उसका भी अगेन दो परफेक्ट स्क्वायर हमको बनाना है। सो देयरफॉर 180 मल्टीप्लाई फाइव 900 इज इक्वल टू टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर, सो इन दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे। सो टू थ्री फाइव, टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, एंड 900 इज द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो 900 स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 30। तो वैसे आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम मेथड आपको यूज करना है। सो स्टूडेंट्स द चैप्टर इज ओवर, सो राइट डाउन ऑल द ट्राई दिस एक्सरसाइज एंड वॉट एवर आई शुड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर इन योर नोटबुक। बाय एंड टेक केयर।